Hello guys, assalamu alaikum all friend, my name is Ishan and welcome to my channel Knowledge Arena. आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बैटरी डिस्चार्जिंग टेस्ट जो कि मैं करूँगा ऑनर के न्यूली लॉन्च ऑनर 8X का. तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं शेयर करूँगा इस फ़ोन की बैटरी डिटेल्स आपके साथ. इस फ़ोन में लगाई गई है 3750 मिली एम पावर की एक बड़ी बैटरी और इस फ़ोन को सपोर्ट नहीं दी गई है फास्ट चार्जिंग की. जो चार्जर इस फ़ोन का है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का और मैंने इस फ़ोन को कंप्लीट चार्ज किया है तो मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करता चलूँगा कि इस फ़ोन ने कंप्लीट चार्ज होने में लगाए हैं अराउंड 2 घंटे 20 मिनट. ये फ़ोन कंप्लीट चार्ज हुआ है 2 घंटे 20 मिनट में. मैंने ऑफ़ करके इसको चार्ज पे लगाया था और 2 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट चार्जिंग हुई है ऑनर 8X की. मैं करूँगा इस फ़ोन का बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट और हम ये देखेंगे कि कितनी देर में इस फ़ोन की बैटरी होती है कंप्लीट ड्रेन. वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली कर दीजिए नॉलेज एरिना को सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन के बटन को क्लिक ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑनर 8X का बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट. फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि फ़ोन है 100% चार्ज और अब हम चलेंगे YouTube की तरफ और वहाँ से प्ले करेंगे एक वीडियो को. और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है एक अदद टाइमर और जैसे ही ये वीडियो मैं प्ले करूँगा और बाकी जैसे ही ये वीडियो प्ले होगी मैं टाइमर को जो है वो स्टार्ट कर दूँगा. और ये हो गई है वीडियो प्ले, यहाँ से मैंने कर दिया टाइमर को स्टार्ट. और 15 मिनट के बाद जो पोजीशन है वो मैं आपके साथ करूँगा शेयर. और सिर्फ 15 मिनट YouTube प्ले किया है उसके ऊपर 1% बैटरी अभी तक हुई है ड्रेन. तकरीबन 32 मिनट और 32 मिनट बाद हम चेक करेंगे. यहाँ पर अब हो गए फ़ोन की बैटरी 97%. तो ऑलमोस्ट 32 मिनट्स का YouTube मैंने प्ले किया है इस गेम में अभी तक और 3% बैटरी जो है वो ड्रेन हुई है. तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं मज़ीद 15 मिनट बाद क्या पोजीशन रहती है. फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट हुए 1 घंटा 12 मिनट हो गए और 1 घंटा 12 मिनट में मैंने खुद ही वीडियो को थोड़ा सा ऊपर जाने दिया क्योंकि बैटरी जो है वो बड़ी है और डिस्चार्ज होने में लेगी टाइम. तो 1 घंटा 12 मिनट के बाद पोजीशन देखेंगे YouTube की कि बैटरी जो है वो कितना परसेंट ड्रेन हुई है. तो आफ्टर 1 घंटा 12 मिनट जो बैटरी की कंडीशन है वो अभी तक 9% बैटरी ड्रेन हुई है और मज़ीद इस बैटरी को चाहिए होगा लंबा टाइम. तो अब मैं इस फ़ोन के अंदर रन करूँगा पबजी को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे. जिस तरीके से मैंने YouTube को 1 घंटे से ऊपर टाइम दे दिया इसी तरीके से पबजी खेलेंगे मैक्सिमम ग्राफिक्स में 1 से 1.5 घंटे तक और उसके बाद देखेंगे इस बैटरी की क्या पोजीशन है. फ्रेंड्स, यहाँ पबजी रन करते हुए हो गया है तकरीबन 1/2 घंटा और उसके बाद जो पोजीशन है बैटरी चार्जिंग की तो वो मैं आपके साथ करता हूँ शेयर. यहाँ पर आ गई है 83% पे
तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट तक यूट्यूब रन किया है, उसके बाद आधे घंटे तक खेला है पबजी, और बैटरी पोजीशन जो है वो है 83%। तो मज़ीद हम पबजी को रन करते हैं इस टेस्ट में, और उसके बाद आधे घंटे बाद या 45 मिनट के बाद देखेंगे बैटरी की क्या पोजीशन है। फ्रेंड्स यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा होने वाला है पबजी रन करते हुए, और जो परफॉर्मेंस है इस फ़ोन की बैटरी की वो अभी तक है बहुत अच्छी, और मैं बस आपको शो करूँगा कितना परसेंट बैटरी अभी है आफ्टर 2 घंटे। 75% बैटरी अभी भी मौजूद है, और ओवरऑल हमें टेस्ट करते हुए टाइम हो गया है 2 घंटे 11 मिनट का, जिसमें 1 घंटा 14-15 मिनट हमने यूट्यूब को रन किया, उसके बाद तकरीबन 1 घंटा चला है पबजी इस फ़ोन में। और अब जो है वो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा इसके बैक कैमरे से, फ्रंट कैमरे से, और वो भी तकरीबन 1 घंटा करेंगे, उसके बाद देखेंगे बैटरी की क्या पोजीशन है। फ्रेंड 2 घंटे 43 मिनट्स हो गए हैं, और 2 घंटे 43 मिनट्स के बाद इस फ़ोन की बैटरी जो है वो 62% पर आ गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है ऑनर 8X की बैटरी, और देखते हैं कि ये मज़ीद कितना टाइम लेगी 0% पर आने पे। तो 1 घंटा मज़ीद हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, 2 घंटे हम करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइक 1 घंटा 15 मिनट तक हमने YouTube रन किया, उसके बाद अराउंड 1 घंटा पबजी, और उसके बाद अब 2 घंटे तक होगी वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके बाद देखेंगे क्या बैटरी की परफॉर्मेंस है। फ्रेंड्स वीडियो रिकॉर्ड होते हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, और ओवरऑल जो बैटरी टेस्ट करते हुए जो टाइम हुआ है वो हुआ है 3 घंटे 19 मिनट, और 3 घंटे 19 मिनट के बाद इस फ़ोन की जो बैटरी की कंडीशन है वो है अभी भी ये फ़ोन, और 3 घंटे 19 मिनट के बाद ये फ़ोन आ गया है 48% पे। तो अभी भी आधी बैटरी बाकी है, और अब हम ये देखेंगे कि ये आधी बैटरी ड्रेन होने में लेगा कितना टाइम। वेल, तो अभी रिकॉर्डिंग हमारी शुरू है, और इसी रिकॉर्डिंग को हमने 1 घंटे तक मज़ीद कंटिन्यू रखना है, और उसके बाद भी अगर बैटरी रहती है तो फिर उसके बाद हम इसमें प्ले करेंगे नॉन स्टॉप म्यूज़िक को। यहाँ पर पूरे हो गए हैं 2 घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग को होते हुए, और ये वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की है ये कंटिन्यूसली 1 घंटा 25 मिनट रिकॉर्ड हुई है। ओवरऑल टेस्ट को 4 घंटे 34 मिनट हो गए कंप्लीट, और उसके बाद बैटरी देखते हैं कि बैटरी पहुँची है कहाँ तक। अभी भी 16% बैटरी बाकी है इस फ़ोन में। तो हमने पबजी कम खेला था, तो अब आते हैं वापस पबजी की तरफ और देखते हैं कि ये 16% बैटरी होती है कितनी देर में ड्रेन। तो गेम को कर लेते हैं स्टार्ट।
फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है बैटरी इज़ एम्प्टी, योर फ़ोन विल शट डाउन इन 30 सेकेंड्स। और यहाँ जो टाइम हुआ है वो हुआ है 5 घंटे 5 मिनट और 40 सेकेंड। तो इस फ़ोन की बैटरी जो टोटल चली है वो 5 घंटे 5 मिनट चली है, जिसमें अराउंड 1.5 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट मैंने खेला पबजी को, और उसके बाद 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग की है, और 1 घंटा तकरीबन 15 मिनट की यूट्यूब की वीडियो चली है, और उसके बाद ये हो गया है फ़ोन बंद। तो ये है ऑनर 8X का बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट, और 5 घंटे तकरीबन 5 मिनट आप इस फ़ोन को कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इस टेस्ट की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर अ लॉट, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।